फिर वही बात आ गई इसमें, ये देखो आप जरा बहुत भाई, ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है यार, ये थोड़ा कम होना चाहिए था। रेड है। अंदर पूरी रेड है, इसमें कहीं नॉन वेज तो नहीं आ गया? पता नहीं स्वागत है जी आप सबका चटोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज हम ट्राई करने वाले बारबेक्यू नेशन का क्लासिक मील बॉक्स, मतलब बड़ा वाला जो बॉक्स आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें छह छह स्टार्टर आते हैं और बहुत सारी चीज आती है, ये वो वाला नहीं है जी, ये उससे थोड़ा सा अमाउंट कम है। अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है आपको जो है ना हम वो दिखाएंगे। बाकी मंगल हमने बाकी इससे पहले तकरीबन 2 साल पहले जो इनका मेन बॉक्स आता है जिसमें स्टार्टर वगैरह होते हैं उसकी वीडियो भी बना रखी है, और अगर आप बुफे की वीडियो देखना चाहते हो कि रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस कैसा होता है तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल और जाएगा। वो भी हमने 2 वीडियो बना रखे है जी बारबेक्यू नेशन की, तो अब तो वैसे उसको भी जो है ना लास्ट बनाए हुए शायद 7-8 महीने हो गए हैं। एक बार फिर मेरा मन है, वो हमने दोनों लंच की बना रखी है, अब सोचे डिनर की वीडियो आपके साथ शेयर करें। आज इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आया जी आपको वो दिखाएंगे, अमाउंट बताएंगे, बाकी फूड टेस्ट करके अपना एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो भाई बारबेक्यू नेशन का ये क्लासिक बॉक्स जी, अब इसको ओपन करते हैं, और ये भी बॉक्स में और इससे बड़ा वाला जो आता है वो भी बॉक्स में ही आता है ना, मतलब 2 बॉक्स हैं, एक छोटा वेरिएंट है वो बड़ा वेरिएंट है। हाँ उसके अंदर जरा चीजें थोड़ी सी ज्यादा है जी, अब इसको फटाफट ओपन करते हैं और इसमें आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आया है। आई हैं अब ये ऊपर तो ये कुछ चटनियां और कुछ स्वीट्स वगैरह ये रख देते हैं, तो ये सिंपल सी इनकी पैकिंग है, गत्ते वाली है कुछ, ये कितनी निकली है 1 2 3 निकल चुकी है 4 और एक ये छोटी और है 5। हाँ। तो अब इसको साइड करते हैं जी पंकज, और ये है ये मेन कोर्स। एक चीज तूने नोट करी है, डब्बे के ऊपर ग्रीन टेप लगा रखी थी और अंदर रेड है, अंदर पूरी रेड है, इसमें कहीं नॉन वेज तो नहीं आ गया? पता कितनी चीजें आ गई इसके अंदर, एक बार जरा काउंट कर ले भाई, यहाँ से करें इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 चीजें आपको मिलेंगी जी ये बारबेक्यू नेशन के क्लासिक बॉक्स से। अब एक एक करके ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अपना डाउट क्लियर करूंगा कि भाई इसके ऊपर ये रेड टेप क्यों लगी हुई आई है यार, कंप्लेंट करनी था स्टार्टिंग में ही हो जाए। बिल्कुल भाई, और यार कसम से अगर इसके अंदर नॉन वेज निकल गया तो आज हार्ट अटैक आने वाला है, मैं सही बता रहा हूँ, तगड़ी वाली गड़बड़ हो जाएगी। इसको खोलते हैं जी, अब इसके अंदर क्या आया है, दाल मखनी लग रही है भाई, स्पून चाहिए होगा। तो भाई सबसे पहली चीज तो इसके अंदर निकली है जी हमारी दाल मखनी, और काफी अच्छी लग रही है यार, है ना, बढ़िया गाढ़ी दाल मखनी। और दूसरी बात यह है कि भाई ऊपर तक जो है ना मतलब पोर्शन पूरा दिया है, काफी अच्छा दिया है जी। नेक्स्ट डब्बा खोलते हैं, पहले यही सारे के सारे खोलूंगा, एक बार अपना सारा डाउट क्लियर कर लूं, उसके बाद देखेंगे जी छोटे डब्बों में क्या आया है। इसके अंदर आया है जी हमारा ये कुछ पनीर की सब्जी लग रही है, पनीर बटर मसाला कुछ था ना। हाँ लेकिन यार ऊपर ऑयल जो है ना थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, और अलग ही स्टाइल का है कुछ। हाँ कुछ अलग स्टाइल का है जी, पतली और पनीर के पीसेस काफी अच्छे लग रहे हैं। ग्रेवी यहाँ से ऐसे देखो ना तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें रोगन वगैरह ना ऊपर थोड़ा सा जरा ज्यादा डाला हुआ है, अगर कम होता तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता। पता नहीं इसका टेस्ट कैसा आएगा भाई, टेस्ट तो जैसा भी आएगा लुक वाइज अगर ऐसे देखो तो अच्छी लग रही है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में जी हमारे पास आया है मिक्स वेज की सब्जी, अब इसकी रंगत देखो यार क्या ही कमाल की लग रही है ना, और कुछ थोड़ी सी अलग लग रही है। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे हल्की फुल्की सी, जैसे जो बॉईल करके उसको फिर बाद में मसाले वगैरह मिलाए हैं ताकि आपको वेजीज का थोड़ा सा क्रंच आ सके, है ना। ऐसी लग रही है जैसे अभी जैसे पैन में तैयार करते हैं ना सेपरेट, हाँ उस तरीके से तैयार की। बाकी जी स्वीट को नजर आ रहा है, पनीर के पीसेस है, गोभी है, फलिया है, मटर है, तो प्रॉपर जो मिक्स वेज के अंदर चीजें होती हैं उस तरीके की है, वो उस तरीके की है भाई। तो भाई नेक्स्ट डब्बा जो है इसको ओपन करते हैं जी, अब इसके अंदर क्या आया है, है मटर पनीर है। नहीं मटर पनीर नहीं है, ओ, मटर पनीर है, पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला। अच्छा उसमें लिखा हुआ था पोर्शन होंगे, हाँ उसमें लिखा हुआ था कि भाई ये थोड़ा सा डबल आएगा, तो भाई ये चीज तो अच्छी है, लेकिन यार फिर वही बात आ गई इसमें, ये देखो आप जरा भाई, बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा है यार, ये थोड़ा कम होना चाहिए था। हालांकि बारबेक्यू नेशन का खाना हमें काफी पसंद आता है, लेकिन जो कमी है वो हम नहीं बताएंगे तो भाई उनको पता कैसे चलेगा, है ना। तो ये थोड़ी सी कमी है भाई,
बाकी पनीर के पीसेस तो इसके अंदर भी काफी अच्छे हैं। हम ये करेंगे खाने से पहले ना ये एक्स्ट्रा जो ऑयल या जो है ये निकाल देंगे। बाकी हमारे पास ये दो थोड़े से बड़े वाले डब्बे हैं जी, अब इनको ओपन करके देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या आया है। अच्छा ये है जी वेज बिरयानी। हाँ ये वेज बिरयानी है, पुलाव कह लो, क्योंकि अभी तक खुशबू तो वैसी वाली नहीं आई है। और एक इसके अंदर आया है जी हमारे पास स्टीम प्लेन राइस जो है। तो ये दो बॉक्स आए हैं, तो इसको इसी में रहने थे या प्लेट में डालने मंगज? बाद में सर्व कर ले थोड़ा सा। ठीक है, बाकी अभी अगर आप बात करो रंगत की तो भाई काफी अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर, तो काफी अच्छी वेजेस वगैरह भी थोड़ी बहुत ऊपर से नजर चीजें है ना, चीजें नजर आ रही है, जैसे ये गोभी हो गया, ये हो गया। बाकी टेस्ट करेंगे जी तो आपको बताएंगे कि ये पुलाव है या बिरयानी, क्योंकि बिरयानी बहुत अलग तरीके की होती है, उसकी खुशबू भी बहुत कमाल की आती है ना। बाकी साथ में मिलेगी ये स्टीम राइस। नेक्स्ट दिखाते हैं तो जी, ये कुछ छह चीजें आपको जो है ओपन करके दिखा दी है। अभी ये सारे डब्बे हमारे बाकी हैं, तो इनको भी जो है ना एक एक करके फटाफट खोलते हैं। शुरुआत करते हैं जी ये छोटे वाले बॉक्सेस से कि इनके अंदर क्या आया है। अच्छा एक सलाद है, एक तो इसके अंदर सलाद आई है जी। अभी इसके अंदर क्या है ये भी देख लेते हैं, क्या बताए इसके अंदर भी सलाद हो नहीं। अच्छा इसमें वो क्रिस्पी कॉर्न। हाँ लेकिन मैं तेरे को एक बात बता दूं जी, मेंशन तो नहीं थे नहीं में? ये मेंशन नहीं थे, लेकिन जब मैं बुक करने लगा ना तो वो तीन चीजें दिखाते हैं, एक तो क्रिस्पी कॉर्न, वो छोटी रसगुल्लियां, और एक चीज और थी कि आप इन तीनों में से एक एक्स्ट्रा चीज बुक करो। अच्छा। तो ये मैंने 49 रुपीज के 100 ग्राम जो उन्होंने मेंशन कर रखा था जी, ये मैंने अलग से लिए है, लेकिन बाद में मुझे इसका डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह से ये समझ ले कि वो डिस्काउंट में ही है। और ये छोटी डब्बी में क्या आया जी ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा जी दही, इसमें आया है जी दही, ये अच्छी बात निकली है यार, दही की मेरे को उम्मीद नहीं थी। अब इन डब्बियों को भी आगे कर लेते हैं, इनके अंदर क्या क्या आया है ये तीनों डब्बी आपको खोल के दिखाता हूँ। एक के अंदर आया जी ये अंगूरी, इनके जो है ना गुलाब जामुन छोटे वाले, ठीक है, और 8 पीस इन्होंने मेंशन करे हुए थे इसमें जी। मूंग दाल का हलवा, अब इसमें ना घी नजर आना चाहिए था यार, है ना, ये इनका मुरझाया हुआ निकलता है पता नहीं हर बार जो ना इनका, एक मूंग दाल के हलवे में मेरे को थोड़ी सी कमी लगती है, बाकी ठीक है जैसा भी हर किसी का बनाने का था। चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी भाई, तो मीठे में भी ना अगर प्लस पॉइंट देखो तो आपको तीन चीजें मिल रही। छोटी डब्बी में एक में आई थी ये हमारी हरी चटनी, हरी मिंट वाली चटनी, ठीक है, एक इस वाली डब्बी में आई है जी ये डिप आई है जी, ठीक है। तो ये सारा खाना हो गया, लास्ट हमारे पास रह गया जी ये, इसके अंदर आए हैं हमारे तीन पराठे, हमें मिले हैं जी तीन मालाबार पराठा। अब आप देखो एक तो साइज अच्छा लग रहा है, पराठे का साइज सही है ना, वाकई में ही पराठे का साइज अच्छा है, हथेली से बड़ा है और काफी सॉफ्ट और बढ़िया है ये देखो यार आप। और भाई एक बात और बता दूं, क्या मैदे का नहीं है जी, प्योर आटे का बना हुआ है, रंगत ही उसकी बता रही है कि इसमें मैदा इस्तेमाल नहीं हुआ है। पराठा तो अच्छा लग रहा है, हाँ काफी अच्छा लग रहा है। तो जी ये है जी फाइनल लुक हमारे बारबेक्यू नेशन के क्लासिक मील बॉक्स की। अब आप बताओ भाई कि आपको इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो कैसी लग रही है यार? मेरे हिसाब से खाने की लुक वगैरह तो कमाल की है, अब टेस्ट बढ़िया हुआ तो मजा आ जाएगा। मतलब देखो यार इसके अंदर कितनी सारी चीजें है, मीठे में 3 ऑप्शन है, दही दिया है, खाने में सब्जियों में 3 ऑप्शन हो गए, उसके बाद प्लेन राइस बिरयानी और ये मालाबार पराठा भी हमारे पास 3 पीस है। तो मतलब पूरा फुल पैकेज है, मीठे से लेके नमकीन स्टार्टर हर चीज है इसके अंदर। कोर्स वगैरह में भी 3 चीजें हैं, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला और मिक्स वेज। और मैं आपको जब इसका प्राइस बताऊंगा ना भाई आपका दिल खुश हो जाएगा, 150 रुपए तो इसमें हमें जो है ना वो डिस्काउंट मिल गया सीधा सीधा स्विगी से। बारी है जी फूड को टेस्ट करने की, और शुरुआत हम करने लगे हैं जी क्रिस्पी कॉर्न से। और ये तो बारबेक्यू नेशन जो जाते हैं उनको पता है बहुत फेमस चीज है। एकदम बढ़िया, इसके फ्राई करा होता है और हल्के हल्के से मसाले होते हैं भाई। जो भी है भाई, हालांकि ठंडा हो चुका है लेकिन उसके बावजूद जो है ना टेस्ट कमाल का है, प्रॉपर मसालेदार, जैसे मीठापन और मसाले का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो चीज है। चलो जी मालाबार पराठे से हम जो है इनका मेन कोर्स वो स्टार्ट करते हैं, और शुरुआत से पहले ट्राई करेंगे दाल मखनी से। दाल मखनी से शुरुआत करेंगे, इतने में भी जो है ना सबसे बढ़िया लग रहा है तीनों सब्जियों में, अच्छी गाढ़ी है भाई, ट्राई करते हैं। मजा आ गया, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया, क्या ही दाल मखनी बनी हुई है कमाल की, एकदम बढ़िया घुली हुई दाल मखनी है,
गाड़ी है, मक्खन का वगैरह का फ्लेवर प्रॉपर बढ़िया आ रहा है। मैं ऐसा इसको आप कह सकते हो कि प्रॉपर टाइम दे के बनाई हुई जो दाल होती है ना यार, मैं बहुत जबरदस्त है, मजा आ गया पहली बाइट में, मजा आ गया। बहुत इंप्रूव कर रखे दाल मखनी, मैंने आगे इनकी ट्राई कर रखे, इतनी बढ़िया नहीं होती जितनी ये बढ़िया ये अब की बार निकली है। बिल्कुल सही बात है। अब जो है ना हम ट्राई करने लगे हैं जी इनका ये पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला इसमें एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो हमने निकाल दिया जी। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा आता है, क्योंकि ग्रेवी मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही। टेस्ट करके देखते हैं जी। फ्लेवर तो है भाई, पनीर मखनी बोल लो पनीर बटर मसाला एक ही है, हल्का हल्का सा मीठा मीठा फ्लेवर भी आ रहा है ग्रेवी के अंदर, बाकी फ्लेवर अच्छे हैं। मेरे को तो मजा आ गया यार, एक बाइट और लेता हूँ उसके बाद जो है वो मिक्स वेज ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम ट्राई करने लगे जी इनकी ये मिक्स वेज। मेरे पास तो भाई प्रॉपर गोभी का पीस आ गया, गाजर है और मटर है। टेस्ट कर जाइए, ये बिल्कुल खड़ी खड़ी है, मतलब क्रंच आएगा सारी वेजेस का। पैन में इसको तैयार करा हुआ उस तरीके की मिक्स वेज, लेकिन यार थोड़ी सी सोते होने के बाद जो है ना वो थोड़ी सी नरम हो जाती है, ये उतनी भी नहीं है। मैं सही बताऊं मजा नहीं आया है यार, ये थोड़ी सी और इसमें ना इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। सब्जी जो है ना बॉयल करके उसको आप सोते करो, मसाले डालो तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये बिल्कुल खड़ी खड़ी सब्जी और है, वो भी तो और ज्यादा वो कड़क टाइप की थी। मटर फिर भी सही लगा, लेकिन यार वो मिक्स वेज वाला जो फ्लेवर होता है ना वो भी नहीं आया, तो मजा नहीं आया। मैं सही बताऊं और भाई तीनों मेन कोर्स में सबसे बेस्ट दाल मखनी, फिर पनीर बटर मसाला और फिर मिक्स वेज। वाकई में जिसमें हम ज्यादा डर रहे थे ना वो फिर भी अच्छा निकला है। मिक्स वेज इतनी बढ़िया नहीं है और दाल मखनी 10 में से 10 नंबर है। ट्राई करने लगी इनकी ये बिरयानी। अब देखते हैं कि भाई इसमें से वैसे बिरयानी वाली जो खुशबू आती है वो तो नहीं आ रही है, लेकिन टेस्ट कैसा है आपको वो बताते हैं। मैं सही बताऊं मेरे को डाउट हो रहा था जो मैंने आपको पहले भी बोला, लेकिन इसके अंदर इन्होंने बिरयानी मसाला यूज कर रखा है या क्या? का जो अरोमा आता है ना, जिस तरीके की बिरयानी में खुशबू आती है वो एग्जैक्ट इसमें खुशबू इन्होंने डाल के दे दी है भाई। मजेदार, मैं सही बता रहा हूँ मजा आ गया, क्या ही उसका टेस्ट आया ना। अब इन्होंने इसके अंदर बिरयानी मसाला यूज किया है, क्योंकि ये प्रॉपर बिरयानी टाइप की नहीं बनी हुई है जैसे बिरयानी बनती है, लेकिन बिरयानी मसाले वाली लग रही है, मगर इसके अंदर फ्लेवर अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं जी। मजा आ गया, प्लेन राइस जो है दाल मखनी के साथ थोड़ी सी ट्राई करते हैं। अब इन्होंने ऑप्शन जो है ना काफी सही दे दिया, कई बार किसी को वो खाने का मन नहीं होता, कई बिरयानी नहीं पसंद करते। टेस्ट करते हैं जी। प्रॉपर बॉयल राइस है, इसके साथ जो चीज खाओगे आपको उसी चीज का टेस्ट आएगा। बढ़िया भाई, मजेदार, और क्वांटिटी आपको दिख ही रही है भाई। दाल सब्जी भी खुल रही है, मतलब आपको सफिशिएंट होगी, कम नहीं पड़ेगी। अब आ रही है जी मीठे की, तो पहले टेस्ट कर लेते हैं फिर बताते हैं तीनों में से हमें सबसे बेस्ट क्या लगा। भाई तीनों में से ना नंबर वन तो है जी ये छोटे वाले गुलाब जामुन, दूसरे नंबर पे है ब्राउनी, और तीसरे नंबर पे है जी इनका ये मूंग दाल का हलवा। और मैं सही बताऊं इसको भी ना इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है यार। बाकी भी मेरा भी जो स्वीट डिश में बिल्कुल सेम ओपिनियन है, हलवे को बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब मैं आपको इसका अमाउंट बता देता हूँ, हमने इसका अमाउंट जो पे किया है जी वो हमने पे किया है 751 रुपीज में। आपको ये सारा का सारा खाना जो है ना आपके घर पर आएगा। ये 751 मेरे को आफ्टर डिस्काउंट पड़ा है, सारा टैक्स वैक्स सब कुछ ये वाली चीज भी मिलाकर है, ठीक है? मैंने एक चीज और देखी थी कि अब इनका जो स्टार्टर वाला आता है जिसमें 6-6 चीजें होती है, उसमें ये सब्जी एक हो जाएगी, बॉयल राइस नहीं आएगा, और एक दो चीजें और इनमें से कम होके वहां स्टार्टर बढ़ जाएगा, ठीक है? वो आपको पड़ेगा जी आफ्टर डिस्काउंट 900 रुपए का। तो आपको क्या लगता है, आप वो 900 रुपए वाला जिसके अंदर 6 स्टार्टर आते हैं वो मंगवाना पसंद करोगे, या अगर आपको स्टार्टर नहीं खाना तो ये वाला बॉक्स जो हमने आपको दिखाया है ये मंगवाना पसंद करोगे? बाकी भी अगर आपने ऑलरेडी ट्राई कर रखा है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना।